मानव सेवा फाउंडेशन द्वारा धरना प्रदर्शन करने के बाद मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट जी को सौंपा गया और प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि मोहन कुटी से ठंडी प्याऊ तक 8 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण वर्षों से नहीं हुआ है, जिसे कराया जाए। किसानों की खेती की जमीन सड़क से लगभग 5 फीट ऊंची है, जिसके चलते सड़क पर जल भरा होता है, इस पर भी कार्रवाई की जाए। इस रोड से लगभग 30 ग्राम पंचायत के लोगों का आना जाना है, जिससे उन्हें दिक्कत होती है। ग्राम पंचायत नीमखेड़ी से सेतु निगम द्वारा रेलवे पुल फ्लाईओवर बनवाया जा रहा है। सेतु निगम द्वारा पुल के नीचे दोनों साइड तक सर्विस रोड अभी तक नहीं बनाया गया है और 10 फीट चौड़ाई की सिंचाई विभाग का नाला है, नाले को भी नहीं बनवाया गया है, जिसको लेकर आज क्षेत्र की जनता कलेक्ट्रेट पर मानव सेवा फाउंडेशन की टीम के साथ आकर अपनी मांगे बता रही है। कई बार अनगिनत शिकायत पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये लोग तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रोड का बहुत खराब है जी, और रोड जो है 20 साल से बना नहीं है, इसमें घपलेबाजी PWD वाले और यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों ने 30 लाख एक बार आया, 36 लाख एक बार आया, सब पैसे को बांट खा गए और उस रोड पर कोई काम नहीं किया। कामर्तियों का कामर लेने कामर्ती निकल रहे हैं, कितनी कामरें खंडित हो गई थी पिछली बार, इस बार भी ये चांस लग रहा है। हाँ, इन्होंने क्या किया है कि हमने कहा था कि आंदोलन करेंगे हम 6 अगस्त से, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तो कल इन्होंने पत्थर डलवाना शुरू किया है सड़क पे। लेकिन वो थोड़ा सा बस तीन चार ट्रोला आपने DM वगैरह सबको ज्ञापन दिए हैं और अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। अगर 15 अगस्त तक हमारा ये रोड नहीं बना मोहन कुटी से ठंडी प्याऊ तक, तो 15 तारीख के बाद गांव नीमखेड़ा पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे और जो अधिकारी हमारे पल्ले पड़ेगा उसे हम बांध कर डाल लेंगे, जब तक रोड नहीं बनेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी मांग है कि नीमखेड़ा रोड जल्दी बनाया जाए। दूसरा, तो ये DM वगैरह ने आपको क्या आश्वासन दिया? DM ने अभी कहा 2 बजे हम ज्ञापन देंगे, 3 बजे तक की हमारी परमिशन है, ज्ञापन देंगे। वो आश्वासन उन्होंने कहा था, मैंने सवाल भी किए थे, अरे बरसात में काम नहीं हो सकता, मैंने कहा बरसात में अधिकारी महोदय आप कपड़ा पहनना शुरू कर दो, उन्हें जो पहन रहे हो उन्हें बंद कर दो, खाना बंद कर दो, इन दफ्तरों में आना बंद कर दो। बुलंदशहर से ये थी वसीम अहमद सिद्दीकी के साथ काजल लोधी की रिपोर्ट।